Welcome to Sports Sense by Aryan Raigangar, powered by Craigwell Sports. SportsSense tries to bring together all the sports professionals, athletes from all around the world and talk about topics that unite us. Things like mental health, pre-game routines, fitness, etc, etc. If you guys don't know who I am, my name's Aryan Raigangar. I'm a national level cricket player. I'm a YouTuber and a podcaster. And I'm very excited to speak to all the people we have lined up in the first season of SportsSense. If you guys want to stay up to date with things I do, you follow my Instagram and subscribe to my YouTube channel to stay up to date with the things I do. Let's roll it forward to this episode. Welcome back on SportsSense episode 2. In this week, we have two amazing guests. A guest is a goalkeeper coach at one of the biggest football clubs in India. And the second guest is a Paralympic athlete. And this is the people's introduction. My name is Mihir Sawant. I'm actually from Pune. So, okay, great. I'm now Gokulam Kerala football team. I'm a goalkeeper coach. मेरा एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन से मेरा गोलकीपिंग लेवल 3 लाइसेंस हो चुका है और मैं अभी फिलहाल तो यंगेस्ट गोलकीपिंग लेवल 3 कोच हूं इंडिया में और यंगेस्ट गोलकीपिंग कोच आई लीग में भी तो इसके पहले मैं डेम्पो स्पोर्ट्स क्लब गोवा वास्को स्पोर्ट्स क्लब गोवा मोमेडियन स्पोर्टिंग के लिए खेल चुका हूं आई लीग और सेकंड डिवीजन आई लीग के लिए भी और महाराष्ट्र के लिए मैं अंडर 19 और अंडर 21 नेशनल्स भी खेल चुका हूं और अंडर 19 में मैं वाइस कैप्टन भी था जो ऑल इंडिया हम लोग का हुआ था तो उसके लिए मैं वाइस कैप्टन भी रह चुका हूँ और बस उसके पहले बहुत सारे क्लब्स के लिए भी खेल चुका हूँ मैं तो ये मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है आई एम सुयश नारायण जाधव रिवो 2016 पैरालंपियन 2018 एशियन गेम्स हिस्टोरिक गोल्ड मेडलिस्ट एंड टू ब्रॉन्ज मेडलिस्ट अर्जुना अवार्डी 2020 छत्रपति अवार्डी 2018 एंड नाउ आई हैव क्वालिफाइड फॉर टोक्यो 2021 पैरालंपिक गेम्स विच विल बी हेल्ड इन जापान And now I am district sport officer in Pune Balewadi Stadium, Maharashtra. So, pehla question hai aapke aapka motivation kya hai field mein aapka role model kya hai aap sport mein kaise aa gaye to mera aisa hai ki my father and my uncle mere dono mummy aur mere papa mummy aur mere uncle they were all into sports wo log sab sports mein the तो मैंने इनिशियली क्रिकेट से चालू किया था मैं जब बच्चा था तब फिर उसके बाद स्विमिंग चालू किया और सब एक्चुअली स्पोर्ट्स बैकग्राउंड है तो मैं भी स्पोर्ट्स खेलना चालू किया था एंड फुटबॉल मेरा पहले हॉकी से चालू हो गया था पहले मैं हॉकी खेलता था क्लब स्कूल में और फिर हम लोग का एक क्लब था पुणे में ग्रीन मेडोज बोल के तो उनका एक हॉकी टीम था तो मैं उनके लिए मैं खेलता था और उन्होंने उनका खुद का हॉकी फुटबॉल का भी टीम चालू किया था तो मैं उनके साथ खेल रहा था फुटबॉल तो उधर से मेरा फुटबॉलिंग जर्नी चालू हो गया आई स्टार्टेड प्लेइंग फुटबॉल ओवर देयर एज अ स्ट्राइकर और फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे मेरे को चांस नहीं मिलने लगा तब भी मैं गोलकीपिंग में शिफ्ट हो गया और उधर से फिर मेरा गोलकीपिंग जर्नी चालू हो गया था मेरा वैसे रोल मॉडल्स तो मैं बहुत सारे हैं लाइक डेविड डेहा है फिर उसके बाद मैनुअल नॉयर है डेविड जेम्स है फिर उसके बाद इंडियन गोलकीपर्स में मेरे अभिजीत मंडल है जो मेरे सीनियर थे मैं जब डेम्पो स्पोर्ट्स क्लब में था और फिर उसके बाद और बहुत सारे थे संग्राम मुखर्जी था मेरा गोलकीपिंग आइडल उनसे मैंने चालू किया था ये मेरा गोलकीपिंग का ट्रेनिंग उनके अंडर मैंने चालू किया था आपका रोल मॉडल सब मोटिवेशन कैसे आ गया स्पोर्ट में तो एक्चुअली मैं मेरे पापा एक नेशनल स्विमर थे लेकिन कई कारण से वो नेशनल कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए वो कंपटीशन कैंसिल हो गया सो उनका जो पूरा मतलब अधूरा जो सपना था वो मैं पूरा करूँ इसीलिए उन्होंने मुझे एट द एज ऑफ 2 or 3 वेल में स्विमिंग सिखाया तब से उनकी इच्छा थी कि मैं नेशनल इंटरनेशनल में जाके पार्टिसिपेट करूँ मेडल्स जीतूँ लेकिन उसके बाद क्या हुआ व्हेन आई वाज इन 6th स्टैंडर्ड मुझे मेरे भाई के स्कूल पे मेरे दोनों हाथ को करंट लग गया और मेरे दोनों हाथ एल्बो के आगे से कट हो गए सो
मेरे पापा का जो मेरे लिए सपना था वो अभी उनको लग रहा कि अभी पूरा होगा नहीं होगा, वो बहुत अभी मतलब बहुत टेंशन में आ गए थे, अभी क्या करेगा, व्हाट अबाउट माय करियर, व्हाट अबाउट देयर प्लान्स. तो ये मतलब ऐसे उनके मन में मतलब मेरी फैमिली पूरी बहुत डिस्टर्ब हो गई थी. तो आफ्टर दिस ट्रेजेडी, दिस हैपेंड इन 2004 एंड ये होने के बाद 2-3 साल बाद हम लोग नासिक जिले में, नासिक में एक महाराष्ट्र में एक रिलीजियस प्लेस है नासिक जिले में, तो वहां पे हम लोग गए थे और वहां पे एक तालाब है. तो ये करंट लगने के बाद मैं फर्स्ट टाइम पानी में उतरा और जैसे पहले स्विमिंग करता था वैसे ही स्विमिंग करने लगा. सो मैं तो छोटा था, मुझे उतना कुछ मतलब अंदाजा नहीं आ रहा था, लेकिन पापा का कॉन्फिडेंस बढ़ गया. उन्होंने पैरालंपिक स्विमिंग कॉम्पिटिशन के बारे में इन्फॉर्मेशन पता कर ली और उनको पता चला कि कॉम्पिटिशन होते पैरा वालों के भी. तो मेरी फर्स्ट स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन नासिक में हो गई और उसमें मैंने काफी अच्छे से परफॉर्म किया और मेरी वहां से स्विमिंग करियर में शुरुआत चालू हो गई. और अभी तक मैं बहुत सारे मतलब स्टेट नेशनल फ्रॉम 2007 टू टिल द डेट मैं 10-11 स्टेट नेशनल खेल चुका हूँ, इंटरनेशनल खेल चुका हूँ. एशियन गेम में मुझे गोल्ड मेडल है, 2 ब्रॉन्ज मेडल है और ओलंपिक में पार्टिसिपेशन किया है, 2 टाइम वर्ल्ड चैंपियनशिप खेल चुका हूँ और बहुत सारे जर्मन चैंपियनशिप, विंटर ओपन, पॉलिश चैंपियनशिप, ऐसे बहुत सारे कॉम्पिटिशन खेले. सो ये करते करते मतलब मेरे आइडियल अपने इंडिया के ही एक स्विमर है वीर धवल खड़े, उसके बाद साजन प्रकाश है, माइकल फेल्प्स, नॉट इन द स्विमिंग, नॉट इन द स्विमिंग बट इन द रनिंग ऑल्सो, एथलेटिक्स ऑल्सो, उसेन बोल्ट है, ऐसे बहुत सारे एथलीट है, रोनाल्डो है, ऐसे बहुत सारे एथलीट है जो मैं उनको आइडियल मानता हूँ. और मेसी और रोनाल्डो के ऊपर दोनों बहुत 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 फिट है, दोनों फुटबॉल और स्विमिंग को बहुत फिटनेस लेवल बहुत डिफरेंट है. तो आपका फिटनेस रूटीन क्या है, आप खाना क्या करते हैं, जिम क्या करते हैं? वेल हम लोग का तो लाइक वी हैव अ प्रॉपर डाइट, हम लोग का डाइट होता है लाइक मॉर्निंग में सीरियल्स और एंड बॉइल्ड एग्स वगैरह हम लोग का होते हैं एंड वी हैव मिल्क बिफोर ट्रेनिंग. So after we have to come back from training, hum log ka like we get like some puris or sabjis and all everything like that. Hum log ke liye wo hota hai. Then in the afternoon we have a little bit of non-vegetarian food along with rice like carbs. Then evening mein hum log ka wapas training hota hai. That's I'm talking about the pre-season training. Main pre-season training ka baat kar raha hu. So evening ko aane ke baad we directly have dinner at around 8:30. तो उसमें भी वी हैव रोटीज एंड सैलड होता है, फिर कट फ्रूट्स होते हैं एंड वी हैव नॉन वेज. सो इट्स लाइक थ्राइस अ डे वी हैव नॉन वेज, हम लोग नॉन वेज होता ही है. एंड इवनिंग में हम लोग कार्ब्स बहुत ही कम मात्रा में हम लोग खाते हैं क्योंकि उसमें से हम लोग का फैट जो बॉडी मास इंडेक्स होता है वो बढ़ने लगता है. सो ये हम लोग का डेली का ये होता है खाना पीना. एंड जिम हम लोग के लिए हम लोग 2 डेज अ वीक करते हैं क्योंकि वैसे भी हम लोग ट्रेनिंग तो 1.5 आवर करते ही है और अभी प्री सीजन में 2 टाइम ट्रेनिंग हो गया तो फिर अभी तो फिलहाल जिम कम है. वी ओनली डू इट लाइक एक हफ्ता, हफ्ते में एक बार हम लोग बस करते हैं जिम. और स्विमिंग के लिए क्या फिटनेस रूटीन और क्या जिम वर्क? सो एक्चुअली इट डिपेंड्स ऑन द कंपटीशन, व्हेन इज योर कंपटीशन. मतलब अगर 6 महीने कॉम्पिटिशन है, 4 मंथ है, 3 मंथ है, 2 मंथ है, 1 मंथ है, 15 डेज बिफोर, 8 डेज बिफोर ऑफ कॉम्पिटिशन, ऐसे शेड्यूल बना के रहता है. सो यूजुअली हमारा शेड्यूल ऐसे रहता है कि मॉर्निंग एंड इवनिंग, इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग स्विमिंग सेशन रहता है एंड इन द आफ्टरनून जिम सेशन रहता है, वो जो हम 1-1.5 घंटा कर लेते हैं. मॉर्निंग इवनिंग हमारा 2-2 घंटे का स्विमिंग रहता है. सो ये हमारा ट्रेनिंग शेड्यूल हो गया. और उसमें भी वेनसडे एंड सैटरडे को हमारा इंस्टेड ऑफ जिम, वेनसडे एंड सैटरडे को हमारा फिटनेस सेशन रहता है जिसमें कार्डियो मस्कुलर कोरा सिस्टम हम लोग मतलब उसके ऊपर ध्यान देते हैं, मल्टी एक्सरसाइजेस कर देते हैं उसमें, मल्टी फंक्शनल एक्सरसाइजेस करते हैं. सो मतलब फिटनेस सेशन रहता है. और खाने में हमारा ऐसे होता है कि सुबह जब हम स्विमिंग चालू करते हैं उससे पहले कई बार अभी मैंने बताया कि वो कॉम्पिटिशन के ऊपर डिपेंड होता है, बहुत दिन पहले कॉम्पिटिशन है तो उतना मतलब हेवी ये करने की जरूरत नहीं होती है. सो सुबह उठने के बाद कभी कभी एक बनाना खा लेते हैं, फिर जैसे कि रात को मतलब जो बादाम जो रहते हैं, एलमंड जो रहते हैं, वो रात को भेगा के सुबह खा लेते हैं, फिर लेमन वाटर कभी कभी ले लेते हैं, डिपेंड्स ऑन योर बॉडी. सो
वैसे भी हो जाता है. फिर इन द ट्रेनिंग इन द ड्यूरिंग स्विमिंग एनर्जी ड्रिंक ले लेते हैं, आफ्टर ट्रेनिंग प्रोटीन पाउडर ले लेते हैं, फिर उसके बाद जब घर पे वापस आ जाए तो ब्रेकफास्ट करते हैं. और ब्रेकफास्ट में तो मतलब ब्रेकफास्ट ऐसे ही हल्का होता है, नॉर्मल होता है, जैसे कि 200 ग्राम 250 ग्राम ऐसे होता है. फिर इन द 11 बजे 11:30 बजे ऐसे एक दो फ्रूट खा लेते हैं. फिर लंच में अगर सुबह लंच में एक तो लंच में या तो डिनर में हम लोग चिकन या फिश या पनीर या एग, मतलब जिसमें प्रोटीन कंटेंट ज्यादा है वो हम लोग लेते हैं. ये और इन द इवनिंग ऑल्सो सेम, इन द इवनिंग ऑल्सो हम सेम करते हैं ड्यूरिंग ट्रेनिंग, बिफोर ट्रेनिंग, आफ्टर ट्रेनिंग. सो ये हमारा शेड्यूल रहता है. उसमें मैक्सिमम हम लोग जितना मतलब जिस दिन हमारा ज्यादा वर्कआउट हो जाता है उस दिन हम ज्यादा मतलब उसी दिन पे हमारा ज्यादा प्रोटीन मतलब इंटेक ज्यादा होता है. और बाकी ड्राई फ्रूट्स फ्रूट्स उसके बाद सप्लीमेंट्स ये तो डेली चालू ही रहता है. और इस साल कोविड में पूरा लॉकडाउन हो गया, सब 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 कंट्री में स्पोर्ट्स बंद हो गए, तो आपका स्पोर्ट, जैसे मैं अभी लॉकडाउन में यूके में, तो मेरा क्रिकेट कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो लॉकडाउन में लोग कैसे बिजी रहे, कैसे स्पोर्ट को प्रैक्टिस करे बट फील्ड में मत या पूल में नहीं जाए, तो आप लोग का आपके स्टूडेंट्स को या आप खुद को क्या करते हैं? वेल पहले तो हम लोग अभी इनिशियली लॉकडाउन में तो भी हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे थे, बट देन जैसे ही हम लोग का लॉकडाउन लाइक थोड़ा थोड़ा देवर लीनियंट इन वन ऑफ, हम लोग का सोसाइटी है, वी आर लकी टू वी आर स्टेइंग इन अ सोसाइटी, तो वी हैड रोड्स इन द सोसाइटी. सो आई स्टार्टेड रनिंग एंड ऑल, डूइंग रनिंग एंड ऑल लिटिल बिट इन द सोसाइटी. और ऊपर हम लोग के छत पे मैंने मार्कर्स वगैरह लगा के स्टूडियो लाइक चेंज ऑफ डायरेक्शन में करता था लाइक. फिर उसके बाद कोर एक्सरसाइजेस होते थे, घर पे वेट्स है, वेट ट्रेनिंग्स, तो हम लोग वी यूज्ड टू कीप वेट्स ऑन आवर बैक एंड वी यूज्ड टू डू सम कोर एक्सरसाइजेस. एंड फिर उसके बाद स्क्वाट्स वगैरह, फ्री वेट स्क्वाट्स वगैरह हम लोग मैं करता था. और फिर उसके बाद मेडिटेशन वगैरह, योगा वगैरह तो करना ही होता है, तो सुबह वी यूज्ड टू सुबह मेडिटेशन और योगा होके फिर उसके बाद मैं थोड़ा रनिंग के लिए जाता था. मेरे घर के पीछे ही वो हिल है एक, सो हम लोग उधर ही मैं दौड़ने जाता था. उधर तो थोड़ा बहुत अलाउ करते थे, पर मैं सुबह सुबह लाइक अराउंड 5:30 बजे मैं चले जाता था, अंधेरा तो रहता था तभी, तो तभी कैसे कोई नहीं आता है तो फिर वो हम लोग के लिए ईजी होता था. सो हम लोग जब वापस आते थे देन वी यूज्ड टू स्टार्ट विद आवर कोर एक्सरसाइजेस एंड लाइक पुशअप्स एंड ऑल एवरीथिंग, पुलअप्स वो हम लोग करते थे. और जो अभी हम लोग के स्टूडेंट्स है, हम लोग उनको बताते थे कि यूज टू डू दिस, यू सपोज टू डू द कोर एक्सरसाइजेस, इतना ये करना है, फ्लाई लाइक बटरफ्लाई कोर करना है, फिर साइड प्लैंक्स करना है, और रेगुलर जो भी होता है. और विद बॉल ऑल्सो आई हैव अ फ्यू वीडियोस, आई विल प्रोबेबली शेयर इट विद यू, जो हम लोग करते थे घर में विद द बॉल एंड विदाउट बॉल ऑल्सो. सो हमारा एक्चुअली मतलब आपका तो पानी मतलब वाटर गेम नहीं है, और बाकी आप कहीं पे भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा वाटर गेम है तो बिल्कुल भी स्विमिंग नहीं कर पाए. दैट वाज द बिग चैलेंज फॉर अस टू मेंटेन इंड्योरेंस विदाउट स्विमिंग. सो उससे मतलब ये ऐसी खतरनाक कंडीशन फर्स्ट टाइम हमारे लाइफ में आई है. तो बाकी रनर, एथलीट, फुटबॉलर जो भी है, बाकी मतलब बाकी जो भी खेल है वो रनिंग करके, ये करके, वो करके अपना स्टेमिना, इंड्योरेंस, अपना फिजिक सब कुछ मेंटेन कर सकते हैं. लेकिन रनिंग हमारे लिए मतलब एकदम से नई चीज नहीं थी, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करना या फिर स्विमिंग का वर्कआउट रनिंग में कन्वर्ट करना, मॉडिफाई करना, ये हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट था, बहुत चैलेंजिंग सेट था. तो फिर भी हमने क्या किया, जैसे आपने मीर सर ने अभी बताया कि वो कोर एक्सरसाइजेस करते थे, फिटनेस सेशन करते थे मॉर्निंग इवनिंग. सो वैसे ही हमने क्या किया, उनके पास जितने भी प्लेट्स थे मतलब वेट ट्रेनिंग के लिए जो भी इक्विपमेंट थे उससे उन्होंने किया. सो सेम थिंग वी हैव डन. सो हमने क्या किया, जो स्विमिंग में लॉन्ग डिस्टेंस, जिस दिन अभी सपोज मंडे है, मंडे को हमारा स्विमिंग में लॉन्ग डिस्टेंस का वर्कआउट होता है, थर्सडे को लॉन्ग डिस्टेंस वर्कआउट होता है, तो उस दिन हम स्विमिंग रनिंग में हमने क्या किया, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग की. सैटरडे सॉरी ट्यूजडे वेनसडे को हमारा ये रहता है, कभी स्प्रिंट्स रहते हैं, कभी मीडियम डिस्टेंस रहता है, तो कभी मतलब दिस टाइप ऑफ सेट्स हमारे रहते हैं स्विमिंग में. तो हमने क्या किया,
जिस दिन लॉन्ग डिस्टेंस है उस दिन लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग की, जिस दिन शॉर्ट डिस्टेंस है उस दिन शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग की, जिस दिन मिडल डिस्टेंस है उस दिन मिडल डिस्टेंस की, जिस दिन स्प्रिंट्स है उस दिन स्प्रिंट्स की स्प्रिंट्स के रनिंग की है. सो मतलब ये चेंजेस हमने रनिंग में किए और कैसे भी करके इंड्योरेंस मेंटेन करने की कोशिश की. और बाकी तो जैसे जिम में हम लोग करते हैं, मेरे पास थोड़े से वेट्स थे जैसे कि बारबेल था, फिर वेट प्लेट्स थे, उसको ये करके स्क्वाट्स किए, लंजेस किए, फिर मेरे पास और भी कुछ मतलब अपर बॉडी के लिए और भी कुछ इक्विपमेंट थे, उससे भी हमने अपर बॉडी का एक्सरसाइज किया और जितना भी पॉसिबल है उतना खुद को मेंटेन करने की कोशिश की. और बाकी कोर एक्सरसाइजेस, फिटनेस सेशन, ये तो हम लोग विदाउट वाटर भी कर सकते थे, वो भी हमने किया. सो इट वाज क्वाइट चैलेंजिंग बट हमने जितना भी पॉसिबल है वो मेंटेन करने की कोशिश की. मैं भी लॉकडाउन में बिना क्रिकेट पागल हो गया. बट जैसे मेंटल हेल्थ अभी स्पोर्ट्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रिकेटर्स, बहुत स्पोर्ट्समैन अराउंड द वर्ल्ड बहुत कन्फेस के मुझे मेंटल हेल्थ के बहुत स्ट्रगल हो रहा है. तो आप यंगस्टर्स को या खुद को क्या कहते हैं मेंटल हेल्थ के लिए, क्या करना चाहिए स्पोर्ट में? सी फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड पेशेंस. पेशेंस होना बहुत जरूरी है हर एक प्लेयर में, क्योंकि हर एक प्लेयर में एक बैड पैच होता ही है. एंड वो कभी कभी ऐसा होता है कि वो बैड पैच बहुत लंबा चलता है, बट उसमें अगर एक प्लेयर ने पेशेंस रखा देन आई एम श्योर ही विल टच द लिमिट. स्काई इज द लिमिट फॉर हिम. क्योंकि कैसा होता है, जो पेशेंस अगर नहीं होता है और हम लोग सब हड़बड़ा जाते हैं वो उसमें दिक्कत होती है. ताकि फिर अभी हम लोग का बैड पैच चल रहा है अभी, सपोज अभी कोविड तो इज एवरीबॉडी इज बैड पैच, तो अभी यू हैव टू हैव दैट पेशेंस एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि बाबा ये कोविड में हम लोग क्या करना चाहिए, हम लोग क्या कर सकते हैं. सो दिस इज वॉट यू नीड टू वर्क आउट. यू नीड टू सिट एंड थिंक. इनिशियली एक दिन लगेगा, एक हफ्ता भी लग सकता है टू थिंक. तो उसमें यू हैव टू डिसाइड कि ओके फाइन, जो भी अपने अभी रिसोर्सेज है, जो अवेलेबल रिसोर्सेज है, How can we get used to it? There are many people ki unko sports hi unke liye sab kuch tha aur hai, par they are not ready to like unka paisa generate nahi ho raha hai abhi. To 8 mahine jo bhi hai abhi resources, theek hai chalo fitness kar rahe ho, virtual conferences, virtual training kar rahe ho, usme bhi aap kar sakte ho. Aap khud dikha bhi sakte ho ki baba okay hum log ye kar sakte hai ghar mein baith ke. ये ट्रेनिंग कर सकते हैं, वो ट्रेनिंग कर सकते हैं, वो भी एक होता है. कभी कभी इंजरीज भी होते हैं, इंजरीज में भी हम लोगों को पेशेंस रखना चाहिए. एंड इट विल ऑलवेज हैपन एट द राइट टाइम. हर एक के लिए समय होता है. अभी देखो, दिस इज व्हाट वी आर वर्किंग ऑन. कोविड से अभी बाहर निकल रहे हम लोग. एंड अभी लकी है हम लोग कि अभी कोविड से निकलने से ही अभी इमीडिएटली सब टूर्नामेंट्स वगैरह चालू हो गए हैं. So now this is the right time to work out on the loss of the 8 months. Yeah. So, अभी मीर सर ने जैसे बताया कि patience रखना है. कोई भी problem हो, कुछ भी हो, सबसे important चीज होती है patience रखो. उसमें अपना अभी हमारा अभी मतलब अपना अभी time नहीं है, time आएगा, उसके लिए patience रखो. और दूसरी ये चीज है, चाहे कोविड हो, चाहे इंजुरी हो, चाहे और भी कुछ हो, हम लोग मतलब मेंटली स्ट्रेस हो जाते हैं, मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं. तो उस टाइम पे अकॉर्डिंग टू मी हमें ये सोचना चाहिए कि सपोज अगर ये अभी कोविड आ गया, तो अगर कोविड नहीं आता तो कंटिन्यूअसली मैं स्विमर हूँ, आप फुटबॉल के कोच हो, आप क्रिकेटर हो, तो कंटिन्यूअसली अगर ये कोविड नहीं आता तो कंटिन्यूअसली आप उसके पीछे लगे रहते. लेकिन कभी हमने ये सोचा है कि बिकॉज ऑफ कोविड और बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स अगर हम लोग को स्विमिंग, क्रिकेटिंग और कोई स्पोर्ट्स अगर करने को नहीं मिल रहा है, तो इंस्टेड ऑफ दैट हम क्या कर सकते हैं जो हमें स्विमिंग में, जो हमें क्रिकेट में, जो हमें फुटबॉल में, जो हमें हॉकी में यूजफुल होगा, उसके बारे में सोचना है. सो इन शॉर्टली उसको निगेटिव नहीं, उसको पॉजिटिवली लेना है. जैसे कि मैंने अभी जब से हमारा मतलब लॉकडाउन हो चुका है, जब से स्विमिंग पूल बंद हो चुके हैं, उस टाइम पे मैंने मतलब फिजिकल फिटनेस पे, रनिंग पे ज्यादा ध्यान दिया और उसी के ऊपर ज्यादा काम किया. और मुझे ये पता चला कि अगर मैं
स्विमिंग कंटिन्यूसली करता रहा तो करता रहता था, तो मैं शायद कुछ चीजें है रनिंग करने से फिजिकल फिटनेस करने से जिस जिस सेट्स का जिस चीजों का स्विमिंग में फायदा होगा वो तो होता ही नहीं बिकॉज ऑफ लॉकडाउन हम लोग रनिंग कर पाए और हमें पता चला कि हमारे वीक पॉइंट्स है जिसको हम अच्छा करने से स्विमिंग में भी उसको फायदा हो जाएगा, क्रिकेट में भी उसको फायदा हो जाएगा. मतलब जो भी प्रॉब्लम्स है उसको नेगेटिव नहीं उसको पॉजिटिवली सोचो और उसके ऊपर काम करो. सो अकॉर्डिंग टू मी दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, मेंटली सॉल्व द प्रॉब्लम्स. लाइक इट्स लाइक अ लर्निंग लेसन फॉर अस. ये अभी 8 महीने हम लोग ने कुछ नहीं किया और हम लोग बहुत तड़प रहे थे खेलने के लिए, तो ये एक हम लोग के लिए एक लेसन हो गया है कि भाई ओके ऐसा भी अपने अपने लाइफ में होता है. क्योंकि देर आर मेनी पीपल, बहुत सारे लोग हैं जो जो फार्मर्स हैं, उनका हालत भी देख के लाइक पता चल जाता है कि भाई ये हम लोग के साथ भी होना है होगा एंड हो चुका है अभी. सो ये हम लोग के लिए इट्स लाइक अ लर्निंग लेसन फॉर अस, व्हाट गॉड हैज गिवन अस, व्हाट गॉड हैज शोन अस. ओके जितना भी हम लोग जिया है हम लोग मजे का जिंदगी जिया है. हम लोग के लिए कोई ना कोई कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से हम लोग को जॉब मिलता था, टीम मिलती थी हम लोग को, बट ये 8 महीने जैसे हम लोगों ने गुजारे है हम लोग तड़प रहे थे लाइक फील्ड में वापस आने के लिए. अभी सर सूर्या सर भी तो अभी ही स्टिल हैविंग दैट पेशेंस एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट कि अभी स्विमिंग पूल में उनको उतरने के लिए वो बहुत उतावले हो रहे हैं. सो मेरा अगर बात गलत है तो मेरे को बोल दीजिए सुयश सर. नहीं, यू आर एब्सोल्युटली राइट बिकॉज व्हाट हैपन आई टेल यू जस्ट बिफोर 8 to 10 days 15 days बिफोर यू नो एडम पिटी 100 meter ब्रेस्टोकर यूके स्विमर सेम लंदन में भी सेम ऐसी कंडीशन हो रही थी. तो उन्होंने जब उनका स्विमिंग पूल चालू रिसेंटली हाल ही में उनका स्विमिंग पूल अभी चालू हुआ है. सो उन्होंने क्या किया जब लॉकडाउन था उस टाइम पे फिजिकल फिटनेस पे रनिंग पे और व्हाट एवर यू रिक्वायर फॉर योर स्विमिंग उन्होंने ऐसे इस टाइप से काफी अच्छे से ट्रेनिंग की, मतलब ड्राई लैंड ट्रेनिंग की. उसकी वजह से विदाउट स्विमिंग ऑल्सो उन्होंने उनका जो खुद का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था वो बीट किया. 56 सेकेंड का वर्ल्ड रिकॉर्ड था वो ब्रेक करके 55 सेकेंड में कर दिया. सो इतना सब कुछ प्रॉब्लम होने के बाद भी उन्होंने अगर इतना अच्छा कर रहे हैं तो उन्होंने मतलब मैं वही फिर से वही कहना चाहता हूँ कि उन्होंने जो लॉकडाउन के समय पे जो स्विमिंग नहीं कर पाए उसका पॉजिटिवली सोचा और उसके ऊपर काम किया, फिटनेस के ऊपर ध्यान दिया. सो बिकॉज ऑफ दैट उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया. सो अगेन मतलब ये बहुत जरूरी था कि इंस्टेड ऑफ स्विमिंग ऑल्सो यू कैन डू फिजिकल फिटनेस रनिंग उसके ऊपर भी आप आप कैसे बाउंस बैक करते हैं? आप ट्रेनिंग पे फोकस करते हैं, ब्रेक लेते हैं, आप क्या करते हैं बाउंस बैक खेलने? सी दैट इज अभी ये सेल्फ बिलीफ होता है, खुद के ऊपर हम लोग डिपेंड करते हैं कि भाई This is our life. Swimming, football, it is our life. It is our passion. It is our bread and butter. So, abhi, see, mere to bahut sare injuries ho chuke hai. If you can see, like, mere skull ka injury ho gaya tha. I got a skull fracture. Mera left arm was dislocated. Mere dono knees, both have been operated. Mera left knee ka, mera patella toot gaya tha. 3 tukde ho gaye the football khelte waqt. तो डॉक्टर बोला तू खेल नहीं पाएगा तुम, बट स्टिल आई प्लेड. उसके बाद 2013 में मेरा राइट लिगामेंट ACL और लैटरल और मीडियल मेनिस्कस टूट गया था, वो रिकंस्ट्रक्शन हो गया है. और मेरा एक नेजल बोन कार्टिलेज और चीक बोन भी एक बार टूट गया था जो मैं ICU में था, मेरे को खुद पता नहीं चला कि मेरा सर्जरी कब हुआ. बट दिस ऑल डिडंट मैटर टू मी क्योंकि आई न्यू कि भाई फुटबॉल अपना लाइफ है तो कहीं ना कहीं से तो यू हैव टू कम बैक इनटू फुटबॉल. तो यही मेरे डैड, मेरे अंकल, मेरी मॉम एंड माय पार्टनर मुझे बहुत सपोर्ट किया है उन्होंने एंड दैट इज द रीजन व्हाई आई हैव कम बैक. एंड मोस्टली आई गिव ऑल माय क्रेडिट टू द गॉड. आई गिव ऑल माय क्रेडिट टू गॉड बिकॉज ही हैज ब्लेस्ड मी विथ सच अ ब्यूटिफुल फैमिली.
मेरे को इतना अच्छा फैमिली सपोर्टिव फैमिली से मेरे को ब्लेस किया है जो मेरे को बहुत सपोर्ट किया है एंड और मेरे कोचिंग लाइसेंसेस में भी मेरे को बहुत सपोर्ट किया है मैंने बोला था कि पापा आई वांट टू गो फॉर माय दिस लाइसेंस भाई तू चले जा नो प्रॉब्लम वो बहुत लाइक सपोर्ट सपोर्ट मिलना चाहिए सपोर्ट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट thing in the life and in the career of any sports person from your parents from your wife from your brother sisters anyone that is the most important and I'm sure you will bounce back crazy yeah. so jaise aapne abhi Mihir sir ne bataya unko ye problem ho gaye the in 2017 at the end of 2017 main world championship karke wapas aaya tha so jaise wapas aa gaya fir se mere kaafi acche se training chalu ho gayi और ट्रेनिंग इतनी हो गई कि मतलब ओवर ट्रेनिंग हो गई उसमें से मेरा लेफ्ट नी बहुत ज्यादा स्टिफ हो गया था वो जो आपने जैसे बताया वो पटेला जो है उसमें काफी ज्यादा स्टिफनेस ये हो गया था जम गया था तो बिकॉज ऑफ दैट मैं आई वाज नॉट एबल टू स्विम इवन 200-300 मीटर सो उसके बाद भी लिटरली मैं 2018 का जो एशियन गेम्स था उसमें पार्टिसिपेट नहीं करने वाला था ये सेम प्रॉब्लम मैंने सर को बताया मेरे कोच को बताया कि फिर उन्होंने बताया कि नहीं जो भी होगा वो हम लोग देख लेंगे फिर मैंने फिजियो को दिखाया फिजियो ने काफी अच्छे से ट्रीटमेंट दी और मेरे कोच ने भी रिकवर होने के लिए इंजुरी ठीक होने के लिए जिस टाइप के सेट लेने चाहिए वैसे मतलब उस टाइप के सेट लिए और ठीक दो महीने पहले बिफोर ऑफ कॉम्पिटिशन में ठीक हो गया तो कॉम्पिटिशन के मतलब दो महीने पहले ठीक हो गया और काफी अच्छे से ट्रेनिंग की और वहां पे जाने के बाद भी मैंने काफी अच्छे से परफॉर्मेंस किया तो इतना सब कुछ होने के मतलब एक ही बार मैं पूरा बहुत मतलब बहुत ज्यादा टेंशन में आया था लेकिन जैसे ही मेरी इंजुरी ठीक हो गई तो धीरे धीरे जब मैं एक दिन में कभी 1000 स्विमिंग किया फिर 1500 स्विमिंग किया फिर 2 किलोमीटर किया तो ऐसे करके धीरे धीरे करके मैं स्विमिंग डिस्टेंस बढ़ाते गया और एक दिन ऐसे मतलब एक दिन ऐसे आ गया कि जितना भी चाहे आप मेरे कोच जितना भी मुझे लोड दे जितना भी मुझे ट्रेनिंग कराए मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा था तो बस वही करना चाहिए आपको ये नहीं सोचना है कि अभी हम लोगों को मतलब हमें बाउंस कैसे करना है रिटर्न कमबैक कैसे करना है आप सिर्फ करते रहो आप उसके बारे में मत सोचो हम मुझे इंजुरी हो गई थी या मुझे प्रॉब्लम हो गया था उसके बारे में ज्यादा मत सोचो जैसे ही मतलब इवेंचुअली जैसे हो रहा है वैसे होने दो ऑटोमेटिकली यू विल सी द परफॉर्मेंस यू विल सी द योर इम्प्रूवमेंट तो या मेरे लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट वही था और इवन नाउ ऑल्सो लॉकडाउन में भी जब लॉकडाउन हुआ था तो दो तीन महीने तो मेरी मतलब मेरी ज्यादा ट्रेनिंग नहीं और उसमें मेरा 4-5 kg वेट बढ़ गया था तो मैंने मेरे डाइटिशियन से मेरे कोच से बात की और काफी अच्छे से उनसे बात करके ट्रेनिंग प्रोग्राम मॉडिफाई किया मेरे डाइटिशियन से भी काफी अच्छे से फैट लॉस के लिए मतलब ये लिया और उन्होंने जो मुझे बताया बस मैं वही करते गया कभी टेंशन नहीं लिया कि अभी मेरा मैं कम बैक कैसे करूँ मेरा वेट कैसे कम होगा मेरा फिटनेस कैसे इंप्रूव होगा तो इसके बारे में ज्यादा सोचे नहीं मैंने और अगर आप आज मुझे देखोगे इस 3-4 महीने में मेरा ऑलमोस्ट 5-6 kg मैंने वेट डाउन किया है सो मेरे हिसाब से कम बैक करना इट्स रियली वेरी टफ लेकिन जब आप उसके ऊपर ज्यादा सोचोगे तब वो बहुत टफ है लेकिन आपको उसके ऊपर ज्यादा सोचना नहीं आपके कोच ने आपके डाइटिशियन ने और आपको जो भी रिक्वायर चीजें है उसके लिए जो काम करना है वो अगर आपने ठीक से किया तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होगी और ऑटोमेटिकली यू विल कम बैक बस दैट्स इट बहुत बहुत यूजफुल है वो अभी हमारा टाइम भी खत्म हो रहा है तो आपका कोई फाइनल पॉजिटिव वर्ड्स है सब व्यूअर्स के लिए ओके ऑलवेज कीप इन माइंड द 3 Ds डेडिकेशन डिटरमिनेशन एंड डिसिप्लिन यही ये 3 चीजें हैं जो आपको लाइफ में आगे लेकर जाएंगी कभी भी ध्यान रखो कि भाई जो करना है भाई उसके लिए हम लोगों ने डिटरमिन रहना है और उसके लिए हम लोगों ने डेडिकेशन रखना है भाई कि यू आर डेडिकेटेड टू फुटबॉल सो यू हैव टू बी 100% डेडिकेटेड टू फुटबॉल सो उसमें कोई भी चीजें हो जो कि डाइट हो रिकवरी हो फिटनेस हो जिम सेशंस हो ट्रेनिंग सेशंस हो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हो टैक्टिकल एस्पेक्ट्स हो इसके ऊपर आपने 100% डेडिकेट होना है और सबसे इम्पोर्टेंट बोले तो डिसिप्लिन रहना चाहिए
जो भी आते हो यू हैव टू डू इट इन फुल डिसिप्लिन. तभी ये तीन स्टेप्स, ये तीन जो चीजें हैं लाइफ में, डेडिकेशन, डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन, यही अगर आप रखोगे आई एम श्योर यू विल गो हाई एंड यू विल अचीव वॉट एवर यू वॉन्ट. सो ऑलवेज कीप दैट इन माइंड, द थ्री डीज ऑफ लाइफ. So, in my case, don't think what you don't have. Think of what you have and work on it. Definitely, you will get what you want. So, अपने पास yeah. So, अपने पास जो नहीं है उसके बारे में ज़्यादा मत सोचो. अपने पास जो है उसके ऊपर सोचो, उसके ऊपर काम करो. Definitely, आपको जो भी चाहिए आपको मिल जाएगा. मेरे पास हाथ नहीं है, अगर मैं इसके ऊपर सोचता रहा तो शायद मैं आज ये जितना भी अचीव किया है वो आज मैं नहीं कर पाता. तो बस मैं वही कहना चाहता हूँ, अपने पास जो नहीं है उसके बारे में मत सोचो, जो है उसके बारे में सोचो, उसके ऊपर काम करो, आपको जो भी चाहिएगा वो आपको मिल जाएगा. ग्रेट वर्क. सब क्वेश्चन वेशन हो गया. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द एपिसोड. थैंक यू सो मच.